बिहार पहले ही बाढ़ से बेहाल चल रहा है और एक ऐसी खबर आ रही है जो कि बिहार के सियासत में भूचाल भी ला सकती है। दरअसल बिहार पुलिस के स्पेशल टीम द्वारा जारी एक पत्र सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस अधीक्षक विशेष टीम जो है वो सभी थानाओं से निवेदन कर रहे हैं, जो भी क्षेत्रीय पुलिस उपाधीक्षक है और जो विशेष शाखा जो है बिहार पुलिस की, उनसे निवेदन किया है कि ये आरएसएस से जुड़े जो तमाम संगठन हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण समिति, दुर्गा वाहिनी, हिंदू युवा वाहिनी, इस तरह से तमाम 19 संगठनों का नाम इस पत्र के अंदर लिखा हुआ है और यह पत्र तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसमें ये कहा गया है कि जल्द से जल्द जो नज़दीकी पुलिस थाना है या जिनके क्षेत्र में इस संगठन से जुड़े जो भी पदाधिकारी है, जो भी कोषाध्यक्ष है, उनकी जानकारी जल्द से जल्द बिहार पुलिस के स्पेशल टीम को दी जाए। अब इस कार्रवाई को लेकर बिहार की राजनीति में अलग बहस शुरू हो गई है। बीजेपी इसे बदले की भावना से की हुई कार्रवाई पर अटका रहा है, तो वहीं कांग्रेस इस मुद्दे का पूरी तरह से फायदा उठाना चाहती है और कांग्रेस जेडीयू के समर्थन में आ गई है। कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा ने आरएसएस के जांच करने वाले इस पत्र के सवाल पे एनडीए सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलने की बात कही है। संदिग्ध गतिविधि मानकर ही सरकार कार्रवाई की जांच कर रही है, ऐसा उन्होंने मीडिया को कहा है। वहीं अगर राजद की बात कहें तो राजद इस पे काफी ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया तो नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये जो राजनीतिक संगठन है वो बिना किसी नियम कायदे का चल रहा है और इस संगठन में जुड़े जो दोनों गठबंधन के पार्टी है, बीजेपी और जेडीयू, ये एक दूसरे के लिए इसी तरह से गलत भावना से काम करते हैं और बदले की भावना से काम करते हैं। अब ये खबर बिहार की राजनीति में कितना असर डालेगी, कितना जदयू और बीजेपी के गठबंधन पे असर डालेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति गर्मा गई है। कुछ लोग तो ट्विटर फेसबुक पे ये पोस्ट कर रहे हैं कि ये ऐसा भी हो सकता है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति है, उस पे मुख्यमंत्री से कोई सवाल ना किया जाए, इसको इस मुद्दे को भटकाने के लिए भी हो सकता है जदयू की तरफ से ऐसा निर्णय लिया गया हो, ताकि मामला और मीडिया का ध्यान कहीं और चला जाए। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए चंदन कुमार, बिहार डेलीगेशन।